इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अडानी पावर प्लांट में दो फायरिंग होने की सूचना मिल रही है। बता दें कि बीते दिन दो अडानी कर्मियों की मौत हुई थी, जिसके बाद पावर मैक में काम करने वाले कंपनी के कर्मचारी को रोक कर हो हंगामा करने लगे थे, जिसके बाद प्रशासन मौके पर पहुंची और सभी लेबरों को समझाने बुझाने का काम कर रही थी। इसी बीच में किसी उग्र वर्कर ने पत्थर चला दिया, जिसमें मोतिया ओपी थाना ASI सहदेव प्रसाद घायल हो गए, जिसके बाद उग्र कर्मचारियों को हटाने के लिए दो राउंड फायरिंग भी करनी पड़ी। हालात की गंभीरता को देखते हुए गोड्डा SDPO आनंद मोहन दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। फिलहाल जानकारी मिल रही है कि 16 दिसंबर को अडानी पावर प्लांट का उद्घाटन होना है। इस मौके पर माननीय प्रधानमंत्री गोड्डा पहुंचेंगे, जिसको लेकर काम जोरों शोरों पर चल रहा है। भाई जब डेट बढ़ी गया तो हम लोगों को नहीं बताया गया क्या निगोशिएशन हुआ, उसमें उन लोगों का आपस में था और उसी को लेकर के जवान कुछ उग्र हुए थे, जिसमें पत्थरबाजी की घटना किए हैं और जो भी हम लोगों का जो लीगल एक्शन है उसमें हम लोग करें। तो पुलिस को आत्मरक्षा के लिए हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी, कितनी भीड़ अंदर थी या क्या कुछ हुआ था? नहीं, भीड़ थी, सारे लेबर थे वहाँ पे, 3-4 हज़ार की भीड़ थी वहाँ, जो भी लेबर्स थे। तो जो भी हुआ है, जो इलीगल जो भी घटनाएं घटी हैं उसके विरुद्ध हम लोग विधिवत कार्रवाई। तो पहले फायरिंग की गई या पहले पत्थरबाजी शुरू हुई? नहीं, पत्थरबाजी पहले हुई है, उसमें हमारे अफसर इंजर्ड हुए हैं, जो सिक्योरिटी थे वो इंजर्ड हुए हैं। कितने जवान आपके इंजर्ड हुए हैं? अभी तो हमारे एक ऑफिसर हुए हैं और एक सिक्योरिटी गार्ड हुए हैं और लोग हैं, तो उसको हम लोग कितने राउंड फायरिंग करनी पड़ी उस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए? फायरिंग का अभी हम लोग देख ले रहे हैं कितना हुआ है, लेकिन 2 राउंड फायरिंग भी पड़ता है। थैंक यू सर।